मैं यहाँ पे थैंकफुल कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि इसी रीजंस की वजह से यहाँ पे पुलिस प्रशासन नहीं आया, लेकिन आने के बाद सर ने 2 मिनट ही हुई हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छी पोजीशंस हो गई है ट्रैफिक की, और आई अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि यहाँ पे जिसकी भी पोस्टिंग है सर की वो एक्सपीरियंसड है, ठीक है ना, वो एक्सपीरियंसड है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती जो है लोगों की है, और कोई ऐसा नहीं कि यंग जनरेशन, यहाँ पे मैच्योर बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है ना, डिसिप्लिन की ऐसी की तैसी मार रखी है, डिसिप्लिन की ऐसी की तैसी, ठीक है ना। अब रेड लाइट हो रही है हमारी तरफ की, तो कायदे में जाना नहीं चाहिए, लेकिन सब जा रहे हैं, मेरे पीछे से निकल के जा रहे हैं, मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आपको रेड लाइट तोड़नी है। सामने रेड लाइट देखने का मतलब ही नहीं, एक बंदा एफर्ट कर रहा है, लेकिन उसी को हम क्या है, हम जैसे लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, हम जैसे मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल नज़र आ रही है, और लेट ज़रूर है, लेकिन अब लगता है कि 2 मिनट बाद ठीक हो जाएगा मामला। पुलिस यहाँ पे बस है, बस भी पुलिस वाले की बात नहीं मान रही है, और देखो ये इधर से रॉन्ग साइड से आ ही रहे थे ट्रैफिक, और उसी के साथ साथ यहाँ पे ये बस वाले ने बदतमीजी दिखाई है, ठीक है ना। तो ये सर अभी तक काम कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट सर को कि सर इतने मेहनत से ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहे हैं, ठीक है ना।